ये जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कैसे लगाया है। तो बने रहिए, मल्टी टैलेंटेड बॉय में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को आप अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए अगर आप उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड डालते हैं तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है। तो आइए जानते हैं कि बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये क्या काम करना होगा, आपको ग्रीन कपड़ा लगाना होगा। ग्रीन कलर का कोई भी बैनर या कोई भी कपड़ा वो आपको लगाना होगा, जिससे कि आपको सुविधा हो उस बैकग्राउंड को वॉलपेपर लगाने के लिए। अब आगे का आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए आप जब भी उसके आगे आप खड़े होंगे तो उसका जो आपका जो रिफ्लेक्शन है, पीछे जो आपकी परछाई है, वो नहीं दिखनी चाहिए। और दूसरा ये, अब दूसरा ये क्या होता है कि आपको इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, काइन मास्टर। जी हाँ, काइन मास्टर आपको ये ऐप आप सर्च मारते हैं प्ले स्टोर में जाकर के, तो आपको इसके बारे में सही से जानकारी आपको पता चल जाएगी। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू का ऑप्शन आने से उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप उसके अंदर इमेज के अंदर जाएंगे, और इमेज के अंदर जाने के बाद आपको वहाँ पर मल्टीपल तरीके के, अलग अलग तरीके के वॉलपेपर आपको मिलेंगे, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है। जब आप उसको क्लिक करेंगे, उस इमेज को क्लिक करेंगे तो आपको वॉलपेपर दिखेंगे। उसमें से आप वॉलपेपर उसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे करेंगे आपको साइन बना होगा राइट साइड में, आपको जैसे ही आप क्लिक करके राइट करेंगे, राइट करते ही आपको उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा उसमें, आपका आएगा लेयर का ऑप्शन। जब लेयर का ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको लेयर्स में क्लिक करना है। लेयर्स में क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना है, और जैसे कि आपने उस वॉलपेपर के लिए कोई वीडियो जो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप वहाँ से लगाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसको राइट साइड में आकर के आप ओके करेंगे, साइन अप करेंगे, तो जैसे ही वो आपका क्लिक होगा तो वो आपका वीडियो ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद आप क्या करेंगे, ओके होने के जैसे आप ओके करेंगे तो उसमें जैसे आप उस वीडियो को उठाते हैं वहाँ से, लेयर्स के अंदर मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जब आप जाएंगे उस वीडियो को जो आप जिसको आपने बनाया है उसको आप साइन ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे आप ओके करते हैं और फिर उस वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर आपको क्रॉप का निशान बना हुआ नजर आएगा, जिसमें कि आपने जो वीडियो बनाई है उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप काटना चाहते हैं, जो आपका ग्रीन पर्दा जो एक्स्ट्रा है उसको काटना चाहते हैं, और जो उतना आप क्रॉप में काट के उसको ओके करें। ओके करने के बाद आपको उसको क्लिक करना है, इमेज को, उस वीडियो की इमेज को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसको आप जूम वगैरह, जब आप उसको क्रॉप करके जूम करेंगे, जूम करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो उसमें आएगा आपका क्रोमा की। क्रोमा की ओके करने के, जैसे आप ओके करेंगे क्रोमा की को, तो क्रोमा की ओके होने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद उसमें आएगा क्रो, क्रो डिटेल क्रो। उसमें आपको जाने के बाद क्या करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे आपका वॉलपेपर जो पीछे आपका बैकग्राउंड पर लगा हुआ, उसको आप एडजस्ट करेंगे अपने वीडियो के साथ में। जब आप उसको डिटेल सही से उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कि आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो धन्यवाद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके काफ़ी कुछ सीख गए होंगे कि अपनी वीडियो में बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है। तो बने रहिए, जब आप उसको डिटेल करो पे आप जब एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे आप कि आपकी जितनी बड़ी वीडियो है उतना ही आप जो वॉलपेपर पे बैकग्राउंड जो आपको लगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको आप राइट साइड में ले जाएंगे जितना आपकी वीडियो बना हुआ है। अगर आप उसके अंदर कुछ बढ़ाना चाहते हैं, कुछ अलग से वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो आप अपना वॉलपेपर उसके अंदर और एडजस्ट कर सकते हैं, और वॉलपेपर आप उसके अंदर लगा सकते हैं इमेज में जा करके।